कोरोना की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के कई जगह से अब बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बीजापुर के आदेड़ गांव का है। यहां 12 साल की एक नाबालिग बच्ची रोजगार की तलाश में तेलंगाना के पेरोर गांव गई थी। दूसरा लॉकडाउन लगने के बाद वो अपने ही गांव के 11 लोगों के साथ पैदल ही जंगली रास्ते से होते हुए तेलंगाना से बीजापुर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी रास्ते में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची ने 3 दिनों तक पैदल ही सफर किया। वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के मोदकपाल इलाके में पहुंची ही थी कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई और जिसके कारण उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बच्ची की मौत की खबर के बाद दूसरे प्रवासी मजदूरों को एहतियात बरतते हुए क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर मिलते ही पिता आंदोराम मड़कम और मां सुकमती मड़कम जिला चिकित्सालय बीजापुर पहुंचे। मौत के 3 दिनों बाद आज बच्ची का शव का पोस्टमार्टम बीजापुर में हुआ, जिसके बाद जमलो के शव को उसके माँ बाप को सौंपा गया। भूखा लग गए बताए। और कहाँ गई थी वो? आंध्रा में। आंध्रा जी। क्यों गई थी? मिर्ची तोड़ने के लिए। मिर्ची तोड़ने के लिए जी। काम करने के लिए गई थी? हाँ। आप लोग नहीं गए थे? नहीं गए थे। आंध्रा में कहाँ गई थी, कौन से गांव में? पता नहीं कौन सा गांव थी। आप लोग तो बताकर गई थी? हाँ। नहीं, कैसे में उसकी मौत हुई, कैसे मर गई वो? बुखार से। बुखार से जी। वहाँ से कैसे कैसे आ रही थी इधर? गाड़ी में से आई। कौन से गाड़ी में? इधर मरने समय। नहीं, वो तो आते समय क्या पैदल आ रही थी? नहीं, चेट गाड़ी लेके गए थे। ठीक है, लेकिन उधर से जब आ रही थी किस में आ रही थी? पैदल आ रही थी ना वापस गांव? हाँ जी। गांव कितने दिन से चल के आ रहे थे वहां से? 3 दिन। खत्म कहां पे हुई? इधर मधुपाल में। मधुपाल के पास जी। तो उसका जो शव है यहाँ तक कैसे लाए बॉडी को? उधर से गाड़ी में लाए। अच्छा, बॉडी को गाड़ी में लाए। हाँ। लेकिन वो पैदल आ रही थी वहाँ से? वहाँ से पैदल आ रहे थे। कितने दिन हो गया था वहाँ काम करने जाके आंध्रा? 2 महीने। 2 महीने से वहीं थे? और कितने दिनों से पैदल चल रहे थे लोग वहाँ से? 3 दिन चल रहे। 3 दिन से जी। तो उल्टी दस्त भी हुआ था क्या इसको? उल्टी दस्त पेट में दर्द कर रहा बोलते हैं, बताए थे। अच्छा जी। पेट में अभी यहाँ पोस्टमार्टम कर रहे? हाँ। ये तोयनार थाना अंतर्गत आदेड़ ग्राम के 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालुगड़ा बारे बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे। और 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। अच्छा सर, ये तेलंगाना क्यों गए थे और वहाँ से किस साधन के माध्यम से आ रहे थे? तेलंगाना ये सभी लोग मिर्ची तोड़ने गए थे, और क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है इस कारण ये और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरू से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। तो सर, पैदल चलने की वजह से बच्ची की मौत हुई? हाँ, हम लोगों ने हालांकि इनका बॉडी भी प्रिजर्व किया है और इनका सैंपल भी भेजे थे सावधानी के तौर पे, तो इनका रिपोर्ट आया है जो कोविड-19 के चलते शंकास्पद मरीज के रूप में, लेकिन उनका रिपोर्ट निगेटिव आने के कारण में आज उसका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर से न्यूज़ के लिए भोजेंद्र कुमार वर्मा की रिपोर्ट।